सजिटेरियस यानी धनु राशि, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग, और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि, इन दिनों आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप ये जो पूरे जो वक्त मैंने बताया इसमें आप कोई स्टेबल लव रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर करोगे। आपको लग रहा है कि कोई अगर स्टेबल बंदा या बंदी जो इमोशनली भी स्टेबल है, फिनेंशियली भी स्टेबल है, हर तरीके से जिसमें स्टेबिलिटी है, इस तरह के कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में आता है प्यार को लेके, या फिर आप खुद भी, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद किसी के लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ जाना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी आप में इन दिनों रहेगी। और आप रिस्क भी लेना चाहोगे रिश्ते के बारे में, जो भी हो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि आप खुद इतना स्टेबल हो, या फिर आप जिस स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आता है तो उनकी स्टेबिलिटी पर आपको भरोसा भी होगा, या फिर आप किसी के लाइफ में जाना चाहते हो, या फिर किसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई एक स्टेबल प्यार का रिश्ता लेके आपके लाइफ में आए। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सारा मेहनत किया, और मेहनत करके आपने अपने लिए घर परिवार रिश्ते पैसे गाड़ी बंगला सब कुछ आपने इकट्ठा किया है, आपने अपनी मेहनत से ये सारा कुछ पाया है। पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी ये बहुत मेहनती एनर्जी थी, और आप लोग जो मतलब जो ये रीडिंग देख रहे हैं, पास्ट में ये अपने आप को एक अलग तरीके की पावर में महसूस कर रहा था। उनको लग रहा था कि जो कुछ भी मुझे ज़िंदगी में हासिल करना है मैं ये सारा कुछ हासिल करके रहूँगा या रहूँगी, और इसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत भी किया होगा पास्ट में। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके पास किसी चीज का दो ऑप्शन हो, चाहे जॉब हो, रिश्ता हो, कुछ भी, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही है। इसीलिए प्रेजेंट में हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो। इस कंफ्यूजन के कारण हो सकता है आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। प्रेजेंट में आप कंफ्यूजन की एनर्जी में हो। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों। अगर पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे, या फिर आपको अच्छा लगता था किसी भी तरीके से, अगर आप उनको जानते थे, तो क्या वो कोई पर्सन पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है। अगर मैं कहूँ कोई आ सकता है तो एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो ये नहीं है, क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, जिनके साथ भी अगर आपकी रिश्ता किसी के साथ था भी तो भी ये इंसान इन दिनों नहीं आने के लिए सोच रहा है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ईगो है, ये पर्सन जो है ये ईगोइस्टिक है, तो ये आने के बारे में फिलहाल तो नहीं सोच रहा है।
अभी देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है। नया किसी के आने की चांसेस है? क्वीन ऑफ वांड्स, यस। लेकिन नया जो भी आएगा वो भी अपने जगह एक स्टेबल बंदा या बंदिया जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ लाभ वाले बंदा या बंदी होगी जिन्हें अपनी खुशी को ज़्यादा अहमियत देना अच्छा लगता है। ये देते भी है, ये सामने वाले के बुरा नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी ये बंदा या बंदी जो भी है ये अपने अलावा कुछ और नहीं सोचेगा। जब भी ये सोचेगा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। और ये बंदा या बंदी जो भी है इनके पास स्टेबिलिटी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, इनके पास अपने लाइफ को चलाने के लिए जो अनुभव होना चाहिए वो भी है। ये खुद एक अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, पोजीशन पे हो सकते हैं, इनकी बात लोग मानते होंगे, तो इस तरह की एक पावर में रहने वाला कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है नए पर्सन के रूप में। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपके लिए क्या गाइड कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइड कर रहा है, देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। एट ऑफ वॉन्ट्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई आपके लाइफ में नया आ रहा है, हो सकता है ये बंदा या बंदी ऑनलाइन आपके लाइफ में आ रहा है, किसी के साथ अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हो, बातचीत चल रहा है, दोस्ती हो रहा है, हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। तो जो भी आ रहा है आपको अपने दिल की सारी बात उनसे क्लियर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, बाद में कुछ कहना है, कुछ अंदर रख दिए। जो भी बात करना है अगर वो आपको पसंद है तो आपको दिल खोल के बात कर लेनी चाहिए। जो भी बंदा या बंदी आ रहा है ये सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, जिनको आप हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ये डिजिटल माध्यम से आप उनके साथ रिश्ते में आए हो, परिचय हुआ है, कुछ भी जो भी हुआ है जिनके साथ भी आपका रिश्ता नया जुड़ने जा रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है ये डिजिटल माध्यम से आपके लाइफ में आ रहा है। और इसके लिए आपको भी क्लियर कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, जो आपके मन में है वो उनसे खुलकर बात कर लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।